मैं विजयनगर बोल रहा हूँ, अजमेर ज़िले का एक छोटा सा शहर विजयनगर। मैं वही विजयनगर हूँ जो बड़ी माता धाम के रूप में विख्यात है, वही विजयनगर जिससे मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर भगवान देवनारायण जी धाम देवमाली विद्यमान है। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक हुल्डा गांव स्थित है, जहाँ 17 जुलाई 1734 को मराठा शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए राजपूत राजाओं ने सम्मेलन किया था, जो हुल्डा सम्मेलन के रूप में विख्यात है। मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर रामपुरा आगुचा गांव के नज़दीक आगुचा माइंस विद्यमान है, जहाँ सस्ता और सीसा का भारत का सबसे विशाल भंडार मौजूद है। आज भले ही कपास की पैदावार व कारोबार और ईंट निर्माण के लिए विजयनगर विख्यात हो, परंतु मेरा भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मेरी स्थापना 1919 में मसूदा के राव विजय सिंह ने खारी नदी के तट पर की थी और उन्हीं के नाम पर मेरा नाम विजयनगर पड़ा। विजयनगर शहर को व्यवस्थित रूप से बसाया गया। यहाँ की सड़कें और एक कतार में बसावट को देख आप ये समझ सकते हैं, हालांकि उस समय में एक छोटा सा कस्बा था, फिर भी प्राचीन किला व कई स्मारक ऐतिहासिक व स्थापत्य कला के गवाह हैं। विजयनगर जैन संप्रदाय के महान संत श्री पन्नालाल जी महाराज का मृत्यु स्थान है। प्रज्ञा महाविद्यालय स्थित उनकी समाधि श्री पन्ना गुरु ध्यान साधना केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अब बात करेंगे सुंदर और आकर्षक दिखने वाली खारी नदी की। विजयनगर और गुलाबपुरा शहरों को बांटती हुई खारी नदी स्थित है, जिसके उत्तरी तट पर विजयनगर और दक्षिणी तट पर गुलाबपुरा बसा हुआ है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील के निकट बिजराल गांव की पहाड़ियों से है और अंत में यह बनास नदी में मिल जाती है। मेरे यहाँ अन्य आकर्षण के रूप में दशहरा मेला, तेजाजी मेला, बाड़ी माता मेला आदि प्रसिद्ध है। इसके अलावा मेरे यहाँ मुख्य मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, शीतला माता मंदिर, विश्वकर्मा जी मंदिर, नाकोड़ा जैन मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, वीर तेजाजी मंदिर, करंट वाले बाबा जी, बाड़ी माता जी मंदिर, बाफना जैन तीर्थ आदि प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ मुख्य स्थानों में 27 मील चौराहा, पीपली चौराहा, सब्जी मंडी, सथाना बाजार, तेजाजी चौक, नटराज सिनेमाघर आदि है। 27 मील चौराहा मारवाड़ी गानों की रिकॉर्डिंग के लिए विख्यात है। यदि आप मेरे यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो रेल यात्रियों के लिए विजयनगर रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। अजमेर से चित्तौड़गढ़ रूट पर जाने वाले लगभग सभी यात्री गाड़ियों का यहाँ ठहराव है। बस यात्रियों के लिए विजयनगर बस स्टैंड बनाया हुआ है, जहाँ से देश भर के शहरों के लिए बस सेवा उपलब्ध है। विजयनगर 27 मील चौराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 गुजरता है। विजयनगर शहर का गूगल मैप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे यहाँ बोई जाने वाली फसलों में मुख्य फसलें हैं कपास, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंग, मोट चना, गंवार, तिल आदि। मेरे इस मिट्टी में पैदा हुए हजारों जवान आज भारत की सीमाओं पर रात दिन पहरा दे रहे हैं। यहाँ विगत वर्षों में हुई औद्योगिक, व्यापारिक व शिक्षा के क्षेत्र में हुई तरक्की को देख आज मुझे औद्योगिक, व्यापारिक, शिक्षा, साहित्य व धर्म की नगरी के रूप में जाना जाता है। यह तो था मेरा स्वर्णिम इतिहास। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और यदि आप भी विजयनगर की यात्रा कर चुके हैं तो यहाँ के निवासी हैं तो हमें बताएं कि कौन सी प्रसिद्ध जगह है जिसको इस वीडियो में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।